नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र चुनाव में उत्तर भारतीयों को साथ कर दम दिखाएगी सपा। अखिलेश ने बनाए माता प्रसाद पांडे सहित 4 चुनाव प्रभारी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वहां बसे उत्तर भारतीयों के सहारे अपना दम दिखाएगी। महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आजमी ने गुरुवार को लखनऊ आकर अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके बाद अखिलेश यादव ने 4 चुनाव प्रभारियों के नाम तय कर दिए। मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर पार्टी की नजर है। इन जिलों में जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर के मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अपनाते हुए सपा ने अपने चुनाव प्रभारी भी बनाए हैं। अनुभवी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जौनपुर के मल्हनी के विधायक लकी यादव, केराकत के विधायक तूफानी सरोज और कौशाम्बी के मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र मुंबई का प्रभारी बनाया है। अबू आजमी होंगे बड़ा चेहरा। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी भी चुनाव प्रभारियों के साथ एक बड़ा चेहरा होंगे। महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आजमी ने गुरुवार को लखनऊ आकर अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके बाद अखिलेश यादव ने 4 चुनाव प्रभारियों के नाम तय कर दिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने वहां के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से 12 सीटें मांगी हैं। हालांकि गठबंधन की ओर से सपा को एक भी सीट नहीं मिलने के संकेत मिले हैं। ऐसे में सपा अपने दम पर ही मुंबई की मानकोट, शिवाजी नगर, भायखला, बरसोवा, इससे सटे ठाणे के भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट के अलावा महाराष्ट्र की धूलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। मानकोर शिवाजी नगर सीट से सपा के अबू आजमी और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। मुंबई और ठाणे में उत्तर भारतीयों की मौजूदगी को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह ने लोकसभा का चुनाव जौनपुर से लड़ा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।